वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है 22 दिसंबर और मोटू बेड खिसका रहे हैं और मला बच्चा भी गुड मॉर्निंग करेगा। कहते बेटे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दी। ये इसकी फेवरेट है चीज। ये इसका झूला है जिसका हमने तंबू बना रखा है कल शाम से और इसके अंदर ये सोई थी रात को। इसको मैंने ये ब्लोअर पड़ा हमारा चला के थोड़ा सा वार्म कर दिया, फिर इसको सुला दिया, फिर ब्लोअर बंद कर दिया, फिर छोटू मस्त सोया। इसकी एक छोटी सी क्लिप भी बनाई है मैंने खेलते हुए के लिए। कैसे शेर मार रहा है, वापस करना। अब नहीं शर्माएगा, पहले कैमरा में देख रहा है वो। अरे ब्लॉगर साहब, ब्लॉगर साहब, दे 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 दे, कैमरा में देख रहे हैं वो, देखने लग गया। तो सुबह उठते ही अपनी चंपी कर रही है, बेबी वेट मेरे पापा, देखो चंपी को अकेले अकेले। और मोटो ने आज पहना थर्मल, पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में दिखा इसके ऊपर, मैंने कुछ नहीं पहना है। ये से ही बम रहा था रात को। ये भैया आप क्या बोल रहे हैं, नारियल पानी सोके चार लेट के मिलेंगे क्या? सोते ही चार मिल जाएंगे, सोते ही। ये हमारे छोटे तो आधे दिन सोया रहता है भैया, 1000-2000 रख जाओ। मैं पिछले ना 5-10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, ये नारियल वाले अंकल गलती से बोल जाए एक बार नारियल पानी सूखे चार, ताकि मैं इसको एडिट करके ले लूँ साथ में जो पहले डायलॉग मारता उसके, पर ये नहीं बोलेंगे। वो सुन रहे नहीं सुन रहा वो पता नहीं, पर मैं बोल देती हूँ नारियल पानी सूखे चार, नारियल पानी सूखे चार, ऐसे बोल रहा है वो। भाई मेरा दूध चाय उफरने वाली हो रही है। ये बेटा अपनी दासी है, इसको एक अच्छा सा होता है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ इसलिए। महारानी दासी तो पापा पहले ही बोल गए, तुम भी एक ओहदा दे दो प्यारी दासी, नौकरानी दासी। मैं सैंडविच बना रही हूँ फटाफट, दो हम दोनों के लिए, तीन तीन ब्रेड की बना रही हूँ, एक ब्रेड बीच में और एक बाहर से बच जाए। हम तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, छोटिया दूध पी रहा है और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये कपड़े हैं ये रात को अंदर थे, अभी बाहर में स्टैंड का स्टैंड ले जाती हूँ। चादर हमने लगा रखी है हवा से सुरक्षा के लिए, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी हो जाता है इसलिए। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ जगह मिले वहीं चद्दर बिछा लेते हैं। चप्पलों पे सर रख के सोता है, बहुत ही स्ट्रगल देखी मम्मी ने। हाँ साढ़े चार पौने पाँच हो रहे हैं एक्चुअली, और हम लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि मैडम इतना जोर जोर से रो रही थी फीड लेते वक्त कि मुझे नहीं लेना फीड और मुझे फीड चाहिए भी, तो इसको मैं बाहर ले आई। क्या कहेंगे आप इस बात पे? ए बेटू क्या बोलेगा, कुछ बोलना है? अरे चुटिया, अरे कुछ बोलना है क्या तुमको? एक फोक नीचे फेंके है अगले टाइम में लेके आते हैं हम। हाय अभी बज रहे हैं शाम के 6, और एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये हमने मंगवाया था ब्लैक हेड रिमूवल जो नोज पे होते हैं। आपको पता ही हमारी कहानियाँ कितना मतलब इतनी निर्दयी होगी, जो ब्लैक हेड्स निकालती है मेरा पूरा नाक चढ़ देती है, तो इस बार मैंने सोचा ये मंगवा लेता हूँ, क्योंकि हर बार वही है कि बाहर मार्केट से खरीदेंगे और खरीद नहीं पाते। तो ये है हिप हॉप का ब्लैक हेड रिमूवल, आज इसको यूज़ करेंगे, देखते हैं कितना असर आता है। लोग कहते हैं कि काम करता है, आई होप काम करे, नहीं तो अंकिता का आपको पता ही है मेरा नाक सुझा देगी।
दबा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बड़े कूलर में ठंडी, टपक 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 टपक। चाय आज कम पी रहे हैं शाम को, टॉस्ट ये टॉस्ट मेरे फेवरेट है, डेयरी में मिलते हैं ना खुले ट्रांसपेरेंट में थैली में। हाँ क्या क्या लकड़ी के काठी। और इस वक्त मैं बेबी के कपड़े अंदर ले आती हूँ, ये पूरे बेबी का स्टैंड है, ये हमने डिलीवरी से जस्ट पहले खरीदा था मैंने मम्मी जी ने करके। चलो भाई बहुत काम की चीज़ है, इसका मैं रिव्यू दे देती हूँ। ये जिग्मा का है और ये मेरे बहुत ही चीप पड़ा, मतलब ये पड़ा मेरे 800 में फ्लिपकार्ट से, नहीं सॉरी अमेजोन से है। तो ये मतलब बेबी के लिए सफिशिएंट है, इसको इसमें सुलाने से पहले मैं चला देती हूँ थोड़ी देर, और ये इसके अंदर मस्त सोती है, मैं दिखाती हूँ। छोटू आए, छोटू क्या कर रहे हो तुम, अरे क्या कर रहे हो तुम। बहुत काम की चीज़ है, ठंड में हम इस पर ब्लैंकेट डाल देते हैं चारों तरफ से, मतलब एक साइड से थोड़ा खुला रखते हैं, और इसको इसमें मज़ा भी बहुत आता है, इसमें ये अंदर लटकने वाली है ये चीज़ें चारों तरफ, तो इनको देख के खुश होती रहती है। सुशु कहाँ करते हैं, खुले में। पोटी कहाँ करते हैं, खुले में। शेम शेम हो गई पोटी। हाँ हम सुशु कहाँ करते हैं, खुले में। हम पोटी कहाँ करते हैं, खुले में। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। शाबाश। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अभी तक हमारा बच्चा सोया ही नहीं है। एक्चुअली 6:30-7 या 8 बजे तक सो जाती है, लेट टू लेट ही 8 बजे तक सो जाती है ना। और आज इसने 10 बजे जाती है, 7 बजे तक ही सो जाती है, पर आज बहुत लेट कर दिया इसने। तो आप आते हो तभी सो जाती है, और बस फीड के लिए उठती है, ज्यादा नहीं उठती। हाँ और अब हो सकता है आज ये 2 बजे तक भी ना सोए, है ना, क्योंकि जिस दिन ये लेट जागती है उस दिन लेट ही सोती है फिर, है ना। तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तो बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। तो आज खाना मैं बना रहा हूँ, इधर उबल रहे हैं मेरे राजमा, और यहाँ मैं अंकिता के लिए लौकी काट रहा हूँ उबालने के लिए, उसके बाद उसके पराठे बनाएंगे। पराठे मेरे को बनाने आते हैं नहीं तो, बट ऑफ कोर्स मैं उसके लिए उबाल दूंगा और आटा वो गूंद लेगी, उसके बाद उसके लिए रोटियां मैं सेक दूंगा।